देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ विशाल सिक्का ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल विशाल सिक्का की जगह यूबी प्रवीण राव को अंतरिम एमडी और सीईओ बनाया गया है। इस्तीफे की खबर के बाद कंपनी के स्टॉक में 7% तक गिरावट दर्ज की गई है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सेवा निर्यातक कंपनी इंफोसिस में पिछले कुछ दिनों से आंतरिक कलह थमने का नाम नहीं ले रही थी। सिक्का के इस्तीफे के पीछे भी कंपनी के बोर्ड और फाउंडर्स में चल रहा विवाद माना जा रहा है। इसके साथ ही कंपनी के पूर्व सीईओ विशाल सिक्का के कामकाज को लेकर भी कई कर्मचारियों ने बगावती तेवर अपना रखे थे। लगभग 1800 से ज्यादा ईमेल इंफोसिस के निदेशक मंडल को मिले थे, जिनमें कर्मचारियों ने अपनी नाखुशी जाहिर की थी। वहीं सिक्का ने अपना इस्तीफा देने के पीछे कई कारण बताए हैं। उन्होंने कहा है कि कंपनी के लिए किए गए उनके अच्छे कामों को हमेशा से नजरअंदाज किया गया, साथ ही उनके कामों में दखल अंदाजी भी की गई, जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। वहीं इस पूरे विवाद में इंफोसिस के संस्थापक सदस्य रहे एन नारायण मूर्ति भी कूद पड़े। नारायण मूर्ति ने कहा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से विशाल सिक्का से कोई परेशानी नहीं है, बल्कि कंपनी का गवर्नेंस बोर्ड जिस तरह से काम कर रहा है उससे वे खासा निराश हैं। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि मूर्ति और सिक्का के बीच भी मतभेद लगातार जारी थे, जिसका परिणाम सिक्का के इस्तीफे के तौर पर सामने आया। डीबी लाइव की रिपोर्ट।